हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। तो अभी सुबह का टाइम है और मेरे हाथ देखो, मेरे को एकदम से ध्यान आया कि मैं वीडियो बना लेती हूँ। मैं फुलके बना रही हूँ और आलू भी उबाल दिए हैं। तो आज सुबह सुबह बच्चों को जो है आलू और चपाती, बच्चों को भी अपने को भी, सबको, मतलब बच्चों को ही नहीं। और आजकल ना सुबह, पहले ऐसा होता था कि चलो थोड़ा देर में भी बनता था ब्रेकफास्ट, खाना तो चल पड़ता था, पर आजकल नहीं। आजकल सुबह सुबह जल्दी बनाना पड़ता है, 9 बजे बच्चों को स्कूल जाना, निकलना पड़ता है। 10 बजे लगते हैं हमारे स्कूल यहाँ पे, 10 बजे लगते हैं ना शानू? हाँ, 10 बजे लगते हैं यहाँ पे स्कूल हमारे। और इनकी ड्रेस सानू वर्दी भी तो सिलानी इनकी ड्रेस इनको छोटी हो से नवी मिली है, नई ड्रेस मिल गई इनको, कल ही, कल ही मिल गई, कल ही है ना, परसों, परसों मिल गई इनको नई ड्रेस। और यहाँ पे ये छील रहे आलू, ये बनाएंगे आलू, मैं बना रही हूँ फुलके, ये देखो। हेलो, जय माता दी। लो, जय माता दी करो। हेलो, जय माता जी, गुड मॉर्निंग। लो गाना क्या गा रहे थे? खुशियां ते मौके ते माँ अपनी भी याद आउंदी, बोलो ना। और देखो जुराबे कहाँ रखे इन्होंने। अरे मैं फुलकी भी बता देती हूँ जो मैं बना रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए तवा, और ये देखिए। तो बना लेते हैं हम फटाफट से, फिर इन्होंने भी निकलना और जाना चे, और मैंने भी जाना खास को। तो देखती हूँ कैसे क्या करेंगे, मतलब देखती हूँ कैसे काट लाऊंगी, मतलब लाने की दिक्कत है, काट तो मैं देती हूँ। एक साथ एक क्लिप ले दो नीली। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे ये बना दिया है और सारा मैं फुलके बना रही हूँ, बस हो गया है, थोड़ी सी बनाऊंगी। एक फुट लगा दो थी, दो नहीं लगा रही पीछा जो थे बैठी की, अब ये खड़ी की नहीं हमने। ये देखिए, ये यहाँ पे आलू छील रहे थे ना, थोड़े से आलू उठाए मैंने, और यहाँ पे ना बड़ा बड़े दिनों बाद आलू का, और मेरा हाथ अभी ना आटे वाले ही, क्योंकि मैं चपाती बना रही हूँ तो हाथ से नहीं मैंने धोए। फटाफट से ना मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ। इसमें मैंने नमक डाला, हल्दी डाली, थोड़ी सी मिर्च डाली, अजवाइन डाली और मिर्च पाउडर डाला, हाँ, और हाँ थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला। तो इसको मैं ये कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको आलू का परांठा कैसा बनता है। यही आया। तो फिर यहाँ पे आलू बचे हुए थे थोड़े से, तो मतलब बचा के किए, इन्होंने बोला कि परांठा खाना बच्चों ने बोला, तो मैंने थोड़े से आलू उठाए, उनमें नमक मिर्च वगैरह ये डाल के, और जैसा मैंने आपको दिखाया, तो मैं यहाँ पे 3-4 परांठे बना दिए थे आलू के। और वैसे हमने आलू की सब्जी और चपाती बनाई थी। तो आजकल पता है गर्मी लगने लग गई, आपने भी महसूस किया, जो पहाड़ के हैं उनको पूछ रही हूँ, बाकी निचले एरियों में तो मुझे लगता है कि काफ़ी गर्मी हो गई होगी, है ना? तो बताना मुझे कैसा लगा आपको आलू का परांठा। थोड़े से बनाया मैंने यहाँ पे, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे परांठे टूट जाते हैं, थोड़ा बहुत तो चलो निकल जाता है। और अभी मैं इसमें लगा रही हूँ डालडा, लगाया मैंने आज इसमें, और वैसे डालडा ठीक नहीं होता शायद हेल्थ के लिए, लेकिन मैंने लगा दिया। तो ये देखिए हमारा परांठा बन रहा है, बहुत अच्छा। अभी मैंने बना दिए परांठे भी,
लाइट इस तरफ को ना, इस तरफ को मुंह करना पड़ता है तब आता ऊपर, बिल्कुल सही। और ये देखो कुछ तले हुए, कुछ बिना तले हुए, किसी में बच्चों के लिए तो लगा दी हमने ऐसे डालडा या घी, डालडा लगाया हमने। और वो नहीं सूंघते नहीं रोटी की है ना, ये देखो सुक्का नहीं हुआ भी नहीं, अरे सब यही उगरा, ज्यादा थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही उगरा। तो ये बन गया। और मुझे ना अभी अभी हनी ने बताया कि मीटिंग है स्कूल में, बच्चों पेरेंट्स मीटिंग है ना, तो मुझे जाना पड़ेगा अभी अभी, मतलब पहले मैं घास को जाऊंगी, मैं जल्दी जल्दी निकल रही हूँ, मुझे 1 घंटे में घास लेके आना है वापस, और फिर मुझे ऊपर जाना है, ऊपर नहीं ऊपर स्कूल है हमारा ऊपर। और तो अभी मैं खा लेती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और बिना तेल का भी परांठा है उसको भी, और फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है, चलते चलते। तो मैं अभी आ चुकी हूँ, मैं घास को निकल पड़ी हूँ। मैंने आपको कल बताया था कि मेरी देवरानी नहीं यहाँ पे, वो गई अपने मायके, और ये उसकी गायें दिख नहीं रही यहाँ से। तो अभी मैं घास को जा रही हूँ, तो घास को जाने से पहले, वैसे हम 10-11 बजे बांधते थे, अभी 9 बजे, 9:05 हुए हैं, तो आज मैं अभी बांध दूँगी। बिंदी कुछ ज़्यादा ही ऊपर चली गई और मैं सिंदूर लगाना भूल गई, तो इनको मैं बाहर बांध दूँगी, अपनी को भी और इसकी गायों को भी, और आप देखते रहिए। और वैसे हम मतलब पहले हम बांध देते थे 10-11 बजे, तो अब जैसे गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, मतलब थोड़ा बहुत 5-10% यहाँ पे भी हो गई है, फर्क पड़ गया है, तो मैं निकालती हूँ उनको बाहर। 2 गाय हैं उसके पास से, 2 मेरे पास से, मेरे पास एक सिया भी है ना साथ में, इन सभी को मैं दिखाती हूँ आज आपको इसकी गाय। और वो पिछले कर गई थी, आज या कल आएंगी, पता नहीं कब आएंगी, तो ऐसा हम कर लेते हैं आपस में एक दूसरे के पशुओं का। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं अपने देवरानी की गायों को बाहर बांध रही हूँ, स्पीड मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट की है। पता क्या हुआ एक्चुअली, आजकल ना मेरा जिस ऐप से मैं एडिटिंग करती थी वो पुराना वर्जन था, और मैंने इसको अपडेट किया, मुझे ध्यान नहीं रहा। अब नए वर्जन में ना, जो फिल्मोरा का नया आया अपडेट, उसमें मेरे को एडिटिंग करना नहीं आ रहा है, वॉइस ओवर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बहुत सी चीज़ें। तो मैंने इनशॉट जो है एक वीडियो एडिटर ऐप होता है, उसको डाउनलोड किया है, उससे मैं जो अब एडिटिंग कर रही हूँ। पता नहीं कैसी हो रही है, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। और अब यहाँ पे मैं गायों को बांध रही हूँ बाहर, अपनी सिया है, और ये देखिए ये मेरी सोनिया है, तो इनको भी मैं बाहर बांध लूँगी सभी गायों को, क्योंकि वो पता नहीं शाम का टाइम आएंगे या कल आएंगे, तो फिर इसके बाद मैं निकल जाऊँगी घास को, ये देखिए। और घास को गए थे मैं और बड़ी दीदी, मिलाऊंगी आपको आगे, वो अपने सेब की डालियों के लिए लगा रही थी घास, मतलब वो सूखा घास डालना पड़ता है उनके तनों में ना, तो उसको लाने वो गई थी। और सिया यहाँ पे कुछ दीदी ने रखा था खाने को गायों के लिए, मटर के छिलके वगैरह थे, उनको खा रही थी। और यहाँ से मतलब आज फ़ोन पकड़ने वाला नहीं था यहाँ पे, वैसे भी कोई नहीं होता मेरे पास, पर ये था। बांधी है मैंने बाहर, और अभी मैं उसकी गाय को दूंगी यहाँ से घास मतलब उसकी काउ शेड से, ये उसकी काउ शेड है यहाँ पे, ये पीछे आप देख सकते हैं, 2 कमरे हैं ना यहाँ पे ये। और घास रखा हो तो काम करने में क्या दिक्कत है ना, और अच्छा भी लगता है कि एक दूसरे का काम हम करते हैं। एक पुलाव दे देती हूँ इसको, देखिए ये उसकी गायों को मैंने घास दे दिया, घास में भी फर्क है। और ये हमारे यहाँ पे ठंड से ना पशु बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं, मतलब थोड़ा दूर से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को सारे पशु वाले, ये देखो ये है। और इसमें ना कैमरा कुछ और हो गया है लोड, मुझे ऐसा लग रहा है, इतने नजदीक तो आता नहीं था इसमें, ये पता नहीं कौन सा कैमरा है, दूर है, मैं काफी दूर खड़ी हूँ, देखो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल नजदीक हूँ, पास में खड़ी हूँ गायों के, है ना,
और गाय मेरे से बहुत दूर है वैसे, तो ये दो गाय उसकी है और ये दो हमारी है। ये देखो, अब ठीक है, ये देखो इतने दूर है ये। मैं बोल लूं कि इसमें ना कुछ कैमरा और हो गया था, मैंने इसको सही किया, अब ठीक है। देखो तो ये देखिए, ये ना मतलब ये कैमरा ना कुछ और ही हो गया था लोड। मैं चश्मा भी घर में भूल आई, मुझे घास जल्दी जल्दी दीदी को बुलाती हूँ मैं। दीदी ने भी जाना ना, ये गायों को लाई हूँ मैं यहाँ पे ओढ़ने के लिए। चलो चलो चलो, बंद बैठी, चलो। दीदी भी जा रही है जंगल में, इन्होंने ना सेब के बगीचे लगाए दीदी ने, पता है। तो ये देखिए, अभी हम घास को आ गए थे यहाँ पे, और देखो दीदी भी आई है घास को ही, और यही साइड जो है देखो कितना सूखा सूखा है सारा घास, ये हमने काट दिया। बस अभी जा रहे हैं क्योंकि मेरे से उठाया नहीं जाएगा, ले जाऊंगी मैं वैसे 5-7 पूड़े, 5-7 दीदी ले जाएगी, बस हो जाएगा। और ये देखो ऊपर मंदिर, और ये देखो ये यहाँ पे दीदी। तो चलो अभी मैं आप लोगों से ना बाद में बात करती हूँ, और आज मेरी आंखों में ना बहुत दर्द है, और मेरा चश्मा भी भूल गया घर में, आज ही भूला वैसे, मैं उसको परमानेंट लगाती हूँ। सच्ची दीदी, दस तो बड़ी बार गल्ला यार। तो चलो मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ, जाते हुए घर को, 11 बज गए हैं, और जय माता दी। 12 तक होनी है, तो आ चुके हम घास लेके। और देखो ये दीदी पता किस चीज के लिए घास लेके जा रही है, इन्होंने ना सेब लगाए हैं कुछ पौधे ना, कभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, जाऊंगी ऊपर इस साइड ना, क्योंकि दीदी के खेत जिस साइड है ना उस साइड हमारे नहीं है, और जहाँ हमारे वहां इनके नहीं है, तो होता ही नहीं आना जाना, अपने कामों में लगे रहते हैं। तो जो सेब के पौधे लगाते हैं ना, उनमें नीचे ये ऐसा कुछ घास वगैरह ऐसा रखना पड़ता है तने में, ताकि वो नमी बनी रहे, क्योंकि एक ऐसा नाजुक की समझ लो इस पौधे की ना बहुत देखभाल करनी पड़ती है सेब के। पता नहीं होने होने ना होने का कैसा होगा कैसा नहीं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। काफी खर्चा होता है सेब का बगीचा तैयार करने में, पहले काट रख है तते ये तो कर रखा कुछ कुंडन पाइप। अच्छा ये आई रही बात है, वो देखिए ने क्या कर रहा, और मारे बंजरो नहीं रखिए पाइप। अरे अच्छा है पाइप है, यहाँ पे इन्होंने पाइप लगाई हुई है। तो बस ये तो चलो, अभी हम मैंने आज ना बहुत दिनों बाद उठाया घास, और गर्दन में टक 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 हो रही है। अभी करती मैं आपसे आके जैसे बात, ये टक टक मेरे को लगता नहीं, नहीं मैं तो फिर भी उठाऊंगी, मुझे मतलब पता अभी नहीं, ऐसे हार गई मैं तब क्या, अभी तो 4 गाय और लेनी है। तो चलो यहीं पे वीडियो का एंड कर रही हूँ। तो सारी दुआल टालती है क्या कर रखे ने, वो आगे दीती है, आगे बना रही है बाटी ने तीने के वाले। चलो ठीक है, मैं आपसे बात बात करती हूँ, और मेरी गर्दन में दर्द हो रही। बाय, जय माता दी।